लेकिन अगर तुमने मेरी आशा को निराशा कर दिया तो मैं कहां जाऊंगा। इधर श्रोताओं, जिस समय रोहितास ने अजीकृत ब्राह्मण से कहा है, एक पुत्र के बदले में 100 गायें ले लो और एक बेटा मुझे दे दो, अजीकृत ब्राह्मण लोभ लालच में आकर के बोले, देखो रोहितास, मैं 100 गायें तो ले सकता हूँ मगर पुत्र भी दे सकता हूँ, लेकिन बड़ा वाला बेटा नहीं दूंगा। तो जवाब दिया, छोटा वाला पुत्र दे दो। तो कहा, छोटा वाला उसकी माँ से पूछो। माँ को बुलवाया, माँ से पूछा, अपना छोटा वाला पुत्र दे दो। माँ बोली, कौन? मैं अपना छोटा बेटा कभी नहीं दे सकती हूँ। सामने पर खड़ा जिसका नाम था सुनाशेष, अजीकृत ब्राह्मण के सिर पर 3 ही पुत्र थे, बड़ा बेटा पिता को प्यारा और छोटा माँ को प्यारा। और जवाब दिया है उस पुत्र ने, रोहितास भैया, एक बात कहना चाहूंगा। वैसे माता पिता को परीक्षित महाराज कह, फिर बड़ा पुत्र पुत्र हो या पुत्री हो, बड़ा बेटा प्रिय हो या फिर छोटा, और बीच वाले तो भगवान के समले लाइन में लगे रहते, और जकाओ का तो मम्मी पापा हम तुम्हारे ही हैं, तुम हमें काहे को पीछे करे हो। बड़ो अगर पिता को प्यारो, छोटो मैया को, और फिर हम का घोरे से थोड़ा उठे आए, हम तुम्हारे ही हैं। बिचारो इतनी बात कह के मन समझ आए लेते। तो आज उसी वक्त रोहितास ने एक शब्द कहा है सुनाशेष से, बेटा मैं तुम्हें लेकर के चल रहा हूं, तुम्हारे पिता को मैं 100 गायें देने के लिए जा रहा हूं, तुम तैयार हो जाओ। आज वो सुनाशेष बोला, सुनो रोहितास भैया, तुम्हारी तो माँ भी तुम्हें प्रेम करती है और पिता भी, लेकिन हमारा तो कोई नहीं है। सुनो।